हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के व्यू मेनू के बारे में। तो देखिए, आपको नाम से पता चल रहा है कि व्यू मेनू एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग कुछ शो करेंगे और हाइड कर। बोलिए, जैसे एमएस हम लोग पढ़े थे तो सबसे लास्ट में व्यू मेनू पढ़े थे, ठीक है। इसमें तीसरे नंबर पे दे दिया, लेकिन ये जो व्यू मेनू दिया है, समझ जाओ इसका मतलब यही है कि आप इसमें से कोई ऑप्शन छुपा सकते हो, अगर छुपा हुआ है तो ला सकते हो। इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब जैसा डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे वैसे ही आएगा, ठीक है, प्रिंट आउट में। बस यही है, आप शो करते समय, देखते समय आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे कुछ ऑप्शन हटाने हैं तो हटा सकते हैं, लाने हैं तो ला सकते हैं। तो चलिए, क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हैं, किसको हटाएंगे वो सीखते हैं। तो हम लिख देते हैं DT DT+F3, ठीक है। अब जैसे DT+F3 किए तो क्या हुआ, रैंडम टेक्स्ट आ गया। अब रैंडम टेक्स्ट लेने के बाद से यह जो व्यू मेनू है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया नॉर्मल, क्या दिया है, नॉर्मल। और आप लोग ध्यान दो, जब लोग एमएस वर्ड पढ़े थे तो क्या पेज का व्यू नॉर्मल होता है, एमएस वर्ड में क्या होता है पेज का व्यू, क्या होता है एमएस वर्ड में, नॉर्मल। जी भूल ही गए आप लोग को, चलिए एमएस वर्ड पे जो काम करते थे पेज का व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू, क्या होता है, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू नहीं होता। लेकिन जैसे हम राइटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल व्यू दिया है। नॉर्मल व्यू किसमें था, एक्सेल में और पावर पॉइंट में था, ठीक है, एमएस वर्ड में नहीं था, लेकिन इसमें दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज का व्यू क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, नॉर्मल व्यू होता है, कोई प्रिंट लेआउट नहीं होता, इसमें कोई प्रिंट लेआउट नहीं है, ठीक है। रूलर के हिसाब से जितना दिखेगा प्रिंट होगा, उसमें भी रूलर के हिसाब से ही प्रिंट हो रहा था, लेकिन उसका नाम रखा गया था प्रिंट लेआउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम रखा गया नॉर्मल। क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, देख लेना है एमएस वर्ड से पूछ रहा है कि इससे पूछ रहा है, लेकिन लिब्रे ऑफिस से पूछेगा यही जवाब देंगे। उसके बाद से क्या दिया है, वेब पेज, मतलब वेब पेज का मतलब क्या है, यहाँ पे वेब पेज का क्या मतलब है, वहां पे भी पढ़े थे हमने, बताया था किस डॉक्यूमेंट को अगर वेबसाइट पे लोड करें, इसको देखे तो उसका इंटरफेस कैसा आएगा, उसे बोलते हैं वेब पेज। तो यहाँ पे भी यही मतलब है कि अगर हम नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ऐसे दिखाई तो दे रहा है, लेकिन अगर हम व्यू पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं वेब पे क्लिक, इसका इंटरफेस क्या आएगा वह देखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही आएगा। तुम्हारा है, अब अगर नॉर्मल कर देंगे तो ऐसे आएगा, कुछ फर्क तो आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे यह रूलर के हिसाब से यहाँ पे डाटा शो हो रहा है, और जैसे हम यहाँ पे वेब पे क्लिक कर देते हैं तो वेब के हिसाब से शो हो रहा है, रूलर दिख रहा है लेकिन इतना प्रिंट में आएगा नहीं एक पेज पे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल में जितना दिखेगा उतना प्रिंट पे आ जाएगा आराम से। क्या अलाइनमेंट देखो दिया, यहाँ से चालू है और यहाँ पे खत्म हो गया, क्लियर है। चलिए और नेक्स्ट अगला है यूजर इंटरफेस, क्या दिया है, यूजर इंटरफेस। तो देखो यूजर इंटरफेस का मतलब क्या है, आप लोग पढ़े हो बहुत अच्छे से पढ़ाए हो, यूजर इंटरफेस का क्या मतलब तुम लोग का जवाब सुन के जी करता है फिर पढ़ाना भी छोड़, ठीक है, कितना मेहनत से पढ़ाई याद कराई, 100% दीजिए, ठीक है, किस उद्देश्य से, कि लड़के कहीं जाए तो उसको दिक्कत ना हो, ऐसा मौका है सर पढ़ाईबे नहीं किए थे, समझाइबे नहीं किए थे, तो हम लोग डिटेल में समझाते और बताते, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, आज पढ़ते हो 2 दिन बाद भूल जाते हो, बोलिए क्यों ऐसा करते हो, मन नहीं लगता पढ़ने में, गार्जियन के दबाव पढ़ते हो,
कि कैसे रिजल्ट दिखा देंगे हम ट्रिपल सी का, डीसी का, डीएफए का, ये गलत बात है। मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई, नाम का पढ़ाई मत करो। चलो, यूजर इंटरफेस का मतलब इस सॉफ्टवेयर को जो यूजर चला रहा है उसको कैसे उससे कनेक्ट होगा सॉफ्टवेयर से, और कैसे यूजर आसानी तरीके से उस कंप्यूटर पे काम कर लेगा, उस सॉफ्टवेयर पे काम कर लेगा, उसे बोलते यूजर इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जोड़ना, मतलब यूजर इस सॉफ्टवेयर से कैसे कनेक्ट होगा, जुड़ेगा, उसे बोलते यूजर इंटरफेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया था अच्छे से कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, जो जोड़ने का काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आता है हाई लेवल लैंग्वेज में और कंप्यूटर को समझ में आता है मशीनी लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे लैंग्वेज को ओएस चेंज करता है मशीन भाषा में, मशीन भाषा को चेंज करता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तब हम आसानी तरीके से काम कर ले आते हैं, उसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। वैसे इस सॉफ्टवेयर पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर पे यूजर कैसे जुड़ सकता है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ठीक है, उसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो देखो, हम लोग जब एमएसओन में पढ़े हैं तो कैसे पढ़े हैं कि वहां पे मेनू होता था, मेनू के अंदर क्या था, ग्रुप होता था, ग्रुप के अंदर क्या थे, ऑप्शन थे। लेकिन यहाँ पे मेनू दिया है देखो, लेकिन इसमें ग्रुप नहीं दिया है। जब क्लिक कर रहे थे इसके अंदर इतने ऑप्शन दिख रहे, क्लिक कर रहे थे इतने ऑप्शन दिख रहे, अब इसके बाद से इस पे यहाँ ग्रुप बना के तब ऑप्शन दिया है, इस पे ग्रुप बना के तब ऑप्शन दिया है, ठीक है आपको ना। तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग जिस रूटीन में ढल जाते हैं और फिर से दूसरा नया कोई नियम अगर पालन करना होता तो क्या होता है, दिक्कत होती है। जैसे अपने घर से दूसरे घर जाना, ठीक है, दिन भर अपने घर रहते हो रहते हो, कभी एक दिन रिलेशन में चले जाना, बहुत लगेगा, एक दिन अच्छा लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको घर चल जाए, चाहे भले ही जंगल में हो, वह घर अच्छा लगता है, सिटी में चल जाओ नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन वह 10 दिन रह जाओ तो जब वहां पे ढल जाओगे तो कहे नहीं हमारा गांव बहुत बेकार है, मजा रहा सिटी में, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, ठीक है। तो चलिए आते हैं, हम चेंज करके देखते हैं, इसमें कई सारे यूजर इंटरफेस है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार है। क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार है। चलो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, अगर पूछ दे लिब्रियोफिस राइटर में यूजर इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे, स्टैंडर्ड टूल बार। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें दिखता है फाइल, एडिट, व्यू, मतलब उसके अंदर ऑप्शन कौन से है क्लिक करने के बाद पता चलता है, पहले पता नहीं चलता है। क्लियर है सबको? उसके बाद से यहाँ पे दिया टैब, और टैब तो आप लोग पढ़े हो, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। इन टैब के अंदर क्या होता था, ग्रुप। तो ये स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, जब टैब पे क्लिक करूंगा तो जैसे वो एमएस वर्ड पे देख रहे थे, नोटपैड पे देख रहे थे, वर्डपैड पे देख रहे थे, वैसा इसका भी इंटरफेस आ सकता है, हम चला सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा दीजिएगा, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के इसको रखा है अपने टॉपिक में, क्योंकि आगे चल के हर एक ऑफिस में इसी सॉफ्टवेयर का डिमांड है और इसी सॉफ्टवेयर का लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टैब पे, देखो टैब वाइज दिखेगा ऐसे, याद है होम में क्या दिया है, कट कॉपी पेस्ट, बोलो यहाँ पे। तो या टैब दिख रहा है, सिंगल टूल बार करेंगे तो ऐसा आएगा, साइड बार करेंगे तो ऐसा आएगा, वो देख लो इंटरफेस पहले ही बता दे रहा है, ठीक है। टैब कॉम्पैक्ट करेंगे तो ऐसे कुछ इंटरफेस आएंगे, ग्रुप बार के बारे में ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेंज करके देख लेना, लेकिन सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो वह इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार और टैब। देखो इसका, देखो डिवाइडर लगा दिया, ठीक है आपको, इसको अलग डिवाइड कर दिया, इसको अलग डिवाइड किया है। इसका इस्तेमाल लोग करते नहीं है, लेकिन इतना समझ जाना यह होता है यूजर इंटरफेस में। अगर आ जाए क्वेश्चन निम्न में से कौन सा यूजर इंटरफेस नहीं है, तो जब याद रहेगा तो बता दोगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बताओगे। बाय डिफॉल्ट हमेशा स्टैंडर्ड टूल बार का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत मन करता है और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली जैसे काम कर ले तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टैब का। इसके अलावा दूसरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखो मैं टैब पे क्लिक करूंगा तो देखो कुछ ऐसा है,
अप्लाई टू ऑल या अप्लाई टू राइटर केवल? हम लोग सर राइटर भी दिखा दो। देखिए दिख रहा है फाइल में, होम में सेम वैसे लग रहा है, हम लोग एपिसोड पढ़ रहे हैं। बोलिए इंसर्ट में वही ऑप्शन, लेआउट में वही ऑप्शन दिख रहे हैं, रेफरेंसेस में, रिव्यू में, यह सब व्यू समझ रहे ना, कुछ टूल बड़े जो यहां दिख रहे हैं, समझ रहा ना, इसमें किसी को दिक्कत? चलो फिर तो वापस आते हैं। अब वापस आने के लिए क्या करेंगे? चले तो गए, चलिए इसका कहीं ना कहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक करो इस पे, यही दिख रहा है यूजर इंटरफेस दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करिए और फिर से कहाँ आ जाइए, स्टैंडर्ड टूल बार। मुझे लगता है लिब्रे राइटर को चलाना स्टैंडर्ड टूल बार में अच्छा रहेगा। को सर क्यों सर? क्योंकि ऑप्शन देखो जब टैप कर रहे थे ऑप्शन वहां कम हो जा रहा है, देखो होम में देखो कम है आ रहा है, इंसर्ट में बहुत कम आएगा, लेआउट में बहुत कम आएगा, लेकिन अभी देखना मैं वहां पे एक्सटेंडेड टूल बार कर दूंगा तो सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, इसमें छुप जाएगा, और जब क्लिक करेंगे तब आएगा, उसमें छुपा नहीं है पहले से आ जाएगा, इसीलिए चलो दोनों तरीके सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आते हैं और कर देते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, एक तो हम पहले सीखे ही है और राइटर में चेंज कर देते, और देखो यही ऑप्शन वहां यहां से इंसर्ट में पड़ेगा, ठीक है समाया? इतना हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पता नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन आगे काम करोगे तो दिक्कत ना हो बस। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट, अगला टूल बार, क्या दिया है टूल बार। अब टूल बार में देखो इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब इसका मतलब क्या है? टूल बार का मतलब यह है कि इसमें से व्यू मतलब क्या देखना, तो इसमें कई सारे टूल बार यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ टूल बार का हमको यूज नहीं करना है तो उसको हम हाइड कर सकते हैं, और जिसका यूज करना है उसको शो करा सकते हैं। जैसे ये हमारा ये ऊपर क्या है स्टैंडर्ड टूल बार है, याद है आपको पढ़ाया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्टैंडर्ड टूल बार को शो और हाइड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बताएंगे? व्यू मेनू का, ठीक है, या स्टैंडर्ड टूल बार को हटाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? टूल बार का। अब देखो मैं हटा के दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड टूल बार को, व्यू पे आऊंगा, टूल बार पे आऊंगा, और यही पे लिखा है स्टैंडर्ड, दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दूंगा, नहीं चाहिए, परेशान कर दिया हमको, हटा। क्लियर है बाबू, इसमें किसी को दिक्कत? चलिए ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको शो और हाइड करने होंगे, ठीक। फॉर्मेटिंग वाला देखो दिख रहा है, ये भी गायब हो, कई बार ऐसे लाके दे देगा तो परेशान नहीं हम, सर इसको कहां से हटाएंगे कहां से लाएंगे, इसमें ऑप्शन दिए गए शो और हाइड करने के, मतलब एमएस वर्ड से ज्यादा इसमें ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो आते हैं टूल बार में, और स्टैंडर्ड टूल बार बहुत जरूरी होता है सर, इसलिए हमको दिखा दो कहां गए, स्टैंडर्ड पे क्लिक करें, और फॉर्मेटिंग भी बहुत जरूरी होता है, इसको भी दिखा दो, फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें, मतलब यू कह लो टूल बार से हम लोग जो प्रॉपर्टीज बाय डिफॉल्ट दिख रहा है उसको क्या कर सकते हैं, सो हाइड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते, अगला ऑप्शन दिया हमारा स्टेटस बार, तो आपको पहले से पता है, बोलो कहाँ है स्टेटस बार? नीचे है। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बाय डिफॉल्ट स्टेटस बार में क्या शो होता है, बोलना पेज नंबर, वर्ड, करेक्टर, कितना परसेंट जूम है, यस को होता है किसमें, स्टेटस बार में। तो आपकी मर्जी, हटाना है तो हटा सकते हो और लाना है तो देखो हट गया यहाँ से, फिर से लगाना है तो ला भी दी, हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है, रूलर। तो आपको पता है कि रूलर कितने होते हैं, दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल, लेकिन सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं हम, हॉरिजेंटल का, ठीक है, तो लेकिन शॉर्टकट भी दिया देखो रूलर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आर, और यहाँ पे वर्टिकल रूलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो वर्टिकल ही रूलर आ जाएगा यहाँ पे, और हॉरिजेंटल रूलर भी आ रहा है, और नहीं देखना है तो यहाँ से हटा भी सकते हैं,
इसको भी हटाना है तो इसको भी हटा सकते हैं, मतलब हमको मार्जिन एडजस्ट नहीं कराना है तो हम हटा सकते हैं, और लगाना तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ हटाना है कंट्रोल शिफ्ट, हाँ लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला है स्क्रॉल बार, ये भी पढ़े हो आप लोग, कितने स्क्रॉल बार होते हैं, दो, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब पेज को ऊपर नीचे करना होता है, हॉरिजेंटल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब पेज को राइट लेफ्ट करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बताओगे स्क्रॉल बार कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, रूलर कितने टाइप्स के, हाँ ऐसे आ सकते हैं, तो आप लोग इस्तेमाल करिएगा। हटा दूं, देखो यही रूलर है, हटा देता हूँ वर्टिकल, गायब होगा, कहां से ऊपर नीचे करूं, बोलो ये तरीके हैं बस। ग्रिड लाइन वही आपको पता है, डिस्प्ले ग्रिड, तो देखो डिस्प्ले क्या हुआ है, ग्रिड में आ गया, तुमको पता नहीं चलेगा, लाइन 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 डॉट डॉट आया था, ग्रिड पढ़े हो ना आप लोग, वैसे तुम अपने कंप्यूटर में देखना दिखेगा, स्नैप टू ग्रिड वैसे ही आएगा, ठीक है, उसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हो, हेल्पलाइन फाइल मूवी, इसमें क्या शो हो रहा है, कुछ नहीं रहा, मतलब यह ग्रिड देने के लिए होता है, लेकिन इसमें कुछ ग्रिड शो हो नहीं रहा है, इसको स्नैप हटाओ तभी नहीं फर्क पड़ रहा है, डिस्प्ले ग्रिड को, ये तो गायब हो जा रहा है, वाइल इसको फर्क नहीं पड़ रहा, चलिए इसको हम सर्च करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें दिया है, कुछ ना कोई मतलब होगा, मतलब इतना इस्तेमाल नहीं करते इसलिए हम इसके बारे में सर्च नहीं किए हैं, क्या है नए वर्जन में हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमने नया वर्जन इसमें डाउनलोड किया है, ठीक है, और नए ऑप्शन दिए गए हैं तो आगे इस्तेमाल करेंगे। अगला है फॉर्मेटिंग मार्क्स, ये पढ़े हो अच्छे से, हम पढ़ाए हैं कब, जब पढ़ाए थे तब, बताइए फॉर्मेटिंग मार्क्स का शॉर्ट कट भी क्या होता है, मैं शॉर्ट में बोलिए, ठीक है, तो खाली भूल गए, पढ़े हो ना आप लोग फॉर्मेटिंग मार्क्स, बोलो क्या, हम पढ़ाए थे आपको सोर हाइट, कहां पे एमएस वर्ड को होम टैब, होम टैब का आंसर भूल जा रहा आपको, और उसका शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस एस्ट्री, कंट्रोल प्लस स्टार, जब कोई मार्क लगाते थे उसको शो और हाइड करते थे, उसे बोलते थे फॉर्मेटिंग मार्क्स, फिर इसमें देखो शॉर्टकट दिया है कंट्रोल प्लस एफ, क्या दिया है कंट्रोल प्लस एफ, मतलब जब हम लोग डॉक्यूमेंट में कोई मार्क लगाएंगे उसको शो करेंगे, किसका इस्तेमाल करते हैं, अभी कोई मार्क नहीं लगा है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, ठीक है, मतलब मार्क को दिखाता है, मतलब जो जो आपको छुप गया है हमको दिखाई नहीं दे रहा है उसको लाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, अब हर जगह काम नहीं करता है, सब डिस्टेंस के ऊपर काम करता है, जहां जहां पर अप्लाई करें वहां वहां इस्तेमाल होगा, ठीक है, बस आज रखिए समझिए, ये मार्क को शो करता है, जैसे हम क्लिक किए देखो कुछ अंतर पड़ा नहीं पड़ा, होगा देखो, अब हम हटा देते हैं, थोड़ा आंख थोड़ा तेज करो, हटा देते हैं, कुछ फर्क पड़ा का, बीच में देखो डॉटेड डॉटेड आ जा रहा है, और जैसे हम यहाँ पे इसको लगा दे रहे हैं तो देखो डॉटेड डॉटेड आ गया, और हटा दिए तो ये गायब हो गया, मीन्स क्या मतलब है, हर एक वर्ड के बीच में क्या है स्पेस है, क्या है स्पेस है, तो बता रहा है डॉट 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 मार्क करके बता दे रहा है, वैसे ही हम नीचे इसका एग्जांपल बता देते हैं, जैसे मान लो हम स्पेस दबाते हैं, 1 2 3 4 टैब, 1 2 3 4 स्पेस, 1 2 जितना बार दबा दिया, अब हमको नहीं पता कितना बार स्पेस दबाया हूँ, कितना बार टैब बटन दबाया हूँ, बोला इसी समय यही समझाने वाला हूँ, आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे क्लिक कर दो, देख लो पता चल जाएगा कि कितना बार डॉट लगाया है और कितना बार टैब बटन दबा है, तो एरो बना हुआ क्या बता रहा है, टैब, मतलब एक बार हमने 4 बार स्पेस दबाया, 4 बार टैब, फिर से 3 बार स्पेस, 3 बार टैब, और लास्ट में इंटर,
नहीं समझ रहा है? ये बताओ अगर हम इसको छुपा दे कंट्रोल एफ टेन दबा के, और मैं कह दू बता दू कितना बार लगाए हो बता दोगे? नहीं, ऐसे जब हम लोग आगे काम करेंगे तो कुछ फॉर्मेटिंग लगाएंगे वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एफ टेन बटन दबा के देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फॉर्मेटिंग लगाएंगे। क्लियर है? हो जाएगा? चलो नहीं होगा तो भी अच्छा है। अब यहाँ पर टेक्स्ट बाउंड्री ये सब पॉलिश रहता है, इसमें हम लोग कुछ करना नहीं है। इमेज चार्ट मतलब इमेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे, सेक्शन बाउंड्री टेबल जब पढ़ाएंगे तो टेबल का बाउंड्री काम करता है, टेक्स्ट बाउंड्री हाँ या टेक्स्ट से रिलेटेड या दिख रहा है, देखो बाउंड्री खत्म हो गया दिख रहा है यहाँ पे, अभी बाउंड्री आ रहा था देखो नहीं दिख रहा, तुम लोग पता नहीं कहाँ देखते हो। देखो बाउंड्री है कि यहाँ से जाएगा और कहाँ तक खेलेगा, इसके बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको। चलिए तो यहाँ पे क्लिक करके शो और हाइड कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग ये बाउंड्री को शो हाइड कर सकते हैं। टेबल में टेबल का बाउंड्री इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन जब पाएंगे तो सेक्शन का बाउंड्री इस्तेमाल करेंगे, इमेज जब पाएंगे तो इमेज का बाउंड्री इस्तेमाल करेंगे, इस समय हमें बताने वाला नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर। अब चलिए ऊपर थोड़ा आ जाते हैं और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिया है, व्हाइट स्पेस। आप बताओ कहीं व्हाइट स्पेस दिख रहा है आपको? बहुत दिख रहा है, इसके ऊपर भी दिख रहा है, तो व्हाइट स्पेस को अगर आपको छुपाना है तो हटा दो, जो ऊपर जो मार्जिन दिख रहा है ना आपको नहीं दिखाना है, जरूरत पे फिर से लाना है तो ला सकते हैं। तो सर क्या यूज है? यूज बहुत ज्यादा नहीं है, बस यही है हम सोच रहे हैं कुछ खाली ना दिखे, सब भरा भरा दिखे, ठीक है, मतलब अंदर से सब खाली हो बाहर से सब भरा भरा हो, जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत। तो यह व्हाइट स्पेस को हटाता है, ये तो पहले किए थे शो ट्रैक चेंजेस, यहां से लगाए थे तो कर ही पाया था हमने, या ऑन कर दिया और यहाँ शो और हाइड कर देंगे, तो लगाया नहीं कि हम शो और हाइड करेंगे, कमेंट बढ़ाया ही था रिसॉल्व कमेंट, वही कमेंट देंगे तो रिसॉल्व करना है चेक करना है तो कर सकते हैं, कमेंट फिर से आगे आएगा वो भी पढ़ा दूंगा मैं। फील्ड सेडिंग ठीक है, सॉफ्टवेयर लिखे हो आप लोग ठीक है, तुम्हारा बाइट डिफॉल्ट ये फील्ड ये दिखता ही दिखता है, इसमें कुछ यहाँ पे शो नहीं होगा, बस ये फील्ड है हमारा, बस यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ मतलब नहीं है, देखो कुछ चेंजिंग नहीं होंगे। और अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड नेम, ठीक है, या फील्ड नेम देना है तो दे सकते हैं, इसके लिए क्लिक वो भी वहां से देना पड़ेगा तब काम करे। चलो तो पहले सॉफ्टवेयर की याद करो पहले, ठीक है, फील्ड सेडिंग मतलब बाइट पर जो रहता है वो आता है, फील्ड नेम हमको देना पड़ेगा, जब मैं आपको टेबल पढ़ाऊंगा ना तो उसमें फील्ड दे दूंगा, इसमें शो नहीं हो रहा है, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो शो और हाइड कराते हैं इसमें नहीं हो पा रहा। साइड बार पता है? साइड बार कहाँ दिख रहा है? कल शुरुआत में पाया था साइड बार, कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट की होता है, कहाँ है? आइए साइड बार है, यही पाया था हमने, इसको साइड बार बोलते हैं, और इस साइड बार से हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, मैक्सिमम काम हमारे इससे हो जाएंगे, इसी साइड बार को हटाना है यहाँ से तो कहाँ जाएंगे, यहीं पे क्लिक कर दो गायब हो जाएगा, दिख रहा है, लगाना है तो लगा दे तुम्हारा है। उसके बाद से दिया स्टाइल, तो स्टाइल के लिए देखो क्रिएट है, मतलब स्टाइल यहाँ पे है, ये स्टाइल हम पढ़ाएंगे आपको, फिर भी यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा कौन सा स्टाइल लगाना चाहते हो, ये क्या होता है ये भी पढ़ा दूंगा, बस इतना समझो स्टाइल को शो और हाइड यहाँ से किया जा सकता है, और ये स्टाइल ऑप्शन यहाँ पे भी दिया जा सकता है। व्यू उसके बाद से दिया गैलरी, गैलरी से पता ही क्या होता है, कहाँ होता है फोटो देखा जाता है, फोटो कहीं शेयर किया जाता है, फोटो निकाला जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें पहले से इसके गैलरी में बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए, ऐसा एमएस वर्ड में नहीं दिया, जैसे एरो की लेना है कुछ डायग्राम लेने हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है गैलरी का, जो क्लिक कर बताओ ऐसे हम लोग एरो कहाँ एमएस वर्ड में ले पाते थे, कलरफुल, अब देखो सबका दिया है यहाँ पे, बुलेट्स लेना है तो बुलेट्स देखो अलग 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 लुक में डिजाइन में देखो बुलेट्स दिया है, डायग्राम देखो दिया बना बना, तो हमको बनाना पड़ता है, दिख रहा आपको, फ्लो चार्ट दिया है देखो समझाने के लिए, आइकन दिए गए देखो यहाँ पे,
मूवी वूवी सब दिया है। देखो यहाँ किसका आइकन कहाँ लगाना है, इमोजी भी दिया है, कौन सा इमेज किसका हमको तो नहीं पता है, क्योंकि कोई भेजता है ना कहते हैं बताओ किसका इमोजी है, कहते सर जी ये स्माइल का है, ये गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से में है, ठीक है सेपे दिया। देखो गैली कमाल देख रहे हो, नाम है केवल गैलरी, ये सब पहले से बना के दिए गए, यहां से आप लोग इस्तेमाल कर, साउंड ये साउंड से रिलेटेड है, नीचे बस ये इतने ऑप्शन दिए गए हैं, ये गैलरी सबको सर एक ला के दिखा दो आप, लो हम ला के दिखा दे रहे हैं आपको, कोई एरो ला दें क्लिक खींच के ला दो, हो जाएगा बोलो कोई दिक्कत, अब लाने में से छोटा बड़ा कर लो, लोड होता तो टाइम लगता है, इसको हटाओ नहीं जरूरी, देखो घुमा भी लेते हैं, इतना अच्छा आप सुन लिया, ठीक है तो ये आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, गैली समझ आ रहा है आपको, अब इस्तेमाल करिएगा वो आप लोग इतना होशियार है, नेविगेटर तो आपको पता है, नेविगेटर लोग नेविगेट करता है, क्या नेविगेट करता है, कितना आपने टेबल लाया है, कितना ईमेल लाया है, कितना हेडिंग लगाया हुआ, नेविगेटर बाहर से पता चलता है, तो हमने कोई कुछ लाया नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब आप नेविगेटर यहाँ पे नेविगेटर बार पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट की क्या है या फाइव क्लिक कर दो, देखो खुल गया सब, तो कुछ लाया हो क्या, नहीं लाया हूँ, बस एक लाया हूँ का ड्राइंग कुछ इफेक्ट गिरा ना, और कुछ हमने नहीं इस्तेमाल किया, तो सब देखो अनचेक है, जा रहे हो जाओ बतिया, हो जाएगा बोलो हम लगा के दिखा दे, जैसे सपोज मैं टेबल बना देता हूँ जिससे आपको पता कर सकते, देखो लो इंसर्ट करा दिया, बता रहा है टेबल बना है, सुना रहा है, बोले नेविगेटर बारे यह बताता है नेविगेट करके इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज किया जा चुका, इसे बोलते नेविगेटर बार, नेविगेशन बार, हो जाएगा। चलिए मान लो पिक्चर नहीं लाया है, पिक्चर हाईलाइट है क्या, नहीं है, देखो ला दिया यहीं पे क्लिक कर दो, प्रिंस का के नाम से कोई इमेज है, बता दिया इमेज लाया हो, क्या लिखा है इमेज वर्ड बोलो, इसको यहाँ पे सो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दिया है जितने आप, तो लगभग 100 में आ रहा होगा आप लोग, या फाइव बटन दबा के हटा दो, उसके बाद से डाटा सोर्स, ये शॉर्टकट बस याद रखिएगा, डाटा सोर्स हम लोग जब एक्सेस एक्सेस करेंगे तब बताएंगे, इसमें अभी नहीं बता सकते, जो होने वाला प्रेजेंट में मैंने बता दिया, फुल स्क्रीन पता है कि जितना हमने मैटर बनाया उसको क्या कर देंगे, फुल स्क्रीन करके देख देंगे, फिर वापस जाना है तो एस्केप बटन भी दबा देंगे, क्या दबा देंगे जी, कंट्रोल शिफ्ट जे फुल स्क्रीन, वापस आना है तो एस्केप, कंट्रोल शिफ्ट जे फुल स्क्रीन, वापस आना है तो यहाँ पे क्लिक करके आएंगे, ये बटन दिए गए नॉर्मल ऐसे, तो देखो यहाँ से क्लोज भी नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे इसके लिए, यहाँ भी क्लोज करने का ऑप्शन नहीं दिया रहा, कस्टमाइज करके दे रहा है, इससे बढ़िया एस्केप बटन दबा दो, हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन दिया जूमिंग, और जूमिंग हम पढ़ाए थे आपको क्या होता है, मिनिमम जूम कितना परसेंट, मैक्सिमम जूम कितना 600, याद रहेगा, ये पेज का जूम है, इंटायर पेज की सबसे करना है, पेज के बीच की सबसे करना है, कितना करना है आपको जूम, मिनिमम कितना 10%, मैक्सिमम कितना 600%, बाय डिफॉल्ट कितना 100%, क्लियर है। चलो ये हमारा व्यू टैब था, मतलब बस इसमें शो और हाइड करेंगे, शो और हाइड करेंगे, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करेंगे।